मैं हूं मेघा वर्मा। ग्लोबल नाउ 24/7 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन कलेक्ट्रेट ऑफिस में अभिजीत मुहूर्त में दाखिल कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने चार प्रस्तावकों में से एक अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर भी छुए। आपको बता दें, अन्नपूर्णा शुक्ला मदन मोहन मालवीय के परिवार से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा मोदी के प्रस्तावकों में सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर डोम राजा के परिवार के सदस्य भी शामिल रहे। वाराणसी सीट से पीएम मोदी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। कल शाम वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान वो पूरी तरह से भक्ति में लीन दिखाई दिए। कभी वो ताली बजाते दिखे तो कभी आरती की धुन पर उनके पैर झूमते दिखे। पूरी आरती के दौरान वो हाथ जोड़े रहे। आरती संपन्न होने के बाद गंगा जल से आचमन भी किया। इस दौरान वहाँ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जयपुर में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रोचक नजारा देखने को मिला। यहाँ सैम पित्रोदा के बुद्धिजीवी संवाद कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। तैयारी कर रहे एक मजदूर ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की टी शर्ट पहन रखी थी। वो राहुल गांधी का बैनर लगाते हुए नजर आया। पहले तो इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में जब कांग्रेस नेताओं का इस तरफ ध्यान गया तो मजदूर को वहां से हटा दिया गया। सूरत सेशन कोर्ट ने आज आसाराम के बेटे नारायण साई को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत 30 अप्रैल को नारायण पर अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें, आसाराम और उसके बेटे पर सूरत में दो बहनों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। बड़ी बहन ने आसाराम और छोटी बहन ने नारायण पर आरोप लगाए। योग गुरु बाबा रामदेव आज बिहार के दौरे पर हैं। पटना में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनीति में सभी जातियों की उपस्थिति होनी चाहिए। ये उम्मीदवार का व्यक्तिगत चरित्र होता है कि वो जनता के लिए क्या कर सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतियों के साथ नेतृत्व ठीक होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आर्थिक, सामाजिक न्याय और सुरक्षा सभी मामलों में ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिग्विजय सिंह को आतंकी कहने वाले बयान पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज यूटर्न ले लिया है। संघ कार्यालय समेधा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद बाहर निकली साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी भी दिग्विजय सिंह को आतंकी नहीं कहा। बीते गुरुवार को ही सीहोर जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए साध्वी ने दिग्विजय सिंह के लिए आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान भी लिया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री व जयपुर ग्रामीण बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल आमेर तहसील में लोगों से जनसंपर्क किया। साथ ही लबाना और खोरमीरा में ग्रामीणों ने उन्हें केले से तोला। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कर्नल राठौड़ का भव्य स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने गीत गाकर उनका स्वागत किया। कर्नल राठौड़ ने महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए पानी की सुविधा कर दो, क्योंकि पानी के संकट से दूर दराज जाकर पानी लाने को हम मजबूर हैं। कन्नौज में कल एक रैली के दौरान एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया। सपा बसपा और आरएलडी महागठबंधन की संयुक्त रैली में अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती पहुंचने वाली थी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं की मदद से सांड को मैदान से हटाने में मदद मिली। तब जाकर गठबंधन के नेताओं का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतारा गया। शत्रुघ्न सिन्हा कल मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय निरुपम और उर्मिला मातोंडकर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा, दो लोगों की सेना द्वारा थोपी गई नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। राहुल गांधी को उन्होंने देश का वर्तमान और भविष्य बताया। आपको बता दें, शत्रुघ्न कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का नया गाना आज रिलीज कर दिया गया है। सपना ने दलेर मेहंदी के साथ बावली तरेर गाने में काम किया है। इस गाने ने रिलीज होते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है। डांस के साथ ही सपना ने इस गाने में दलेर के साथ गाना भी गाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ग्लोबल नाउ 24/7। नमस्कार।